नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपने बहुत से मामलों में अदालत की कठोर से कठोर टिप्पणी सुनी होगी, कोर्ट की नसीहत, फटकार, सब कुछ आपने देखा सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी के चेहरे को देखकर अदालत कहे कि बहुत मासूम दिखता है? नहीं ना, मगर ऐसा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब तक जांच जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत की दो बहनों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस बेंच ने सुशांत को लेकर बात करते हुए कहा है कि एक्टर के चेहरे से पता लगता है कि वो कितने सोबर, मासूम और एक बेहतरीन इंसान थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी बहुत उलझी हुई रही। पहले लगा कि खुदकुशी है, मामले ने तूल पकड़ा, जांच बैठी तो फिर हत्या के एंगल से लेकर ड्रग्स मामले तक केस खिंचा। फिल्मी दुनिया सुशांत को लेकर दो हिस्सों में बट गई। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार ने एक दूसरे को कोर्ट में घसीटा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत की बहनों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पार्टियों को अपना लिखित जवाब एक हफ्ते में दाखिल करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों प्रियंका, मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत की बहन प्रियंका ने डॉक्टर से मिलके सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था। सुशांत की मानसिक हालत जाने बिना उनके लिए दवाइयां लिखी गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि सुशांत को 8 जून को ये दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थी और 14 जून को एक्टर ने खुदकुशी कर ली थी, इसीलिए तीनों पर खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप बनता है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर में मृतक पाए गए थे। CBI, ED और NCB इस केस की जाँच में लगे हुए है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। वह लगभग एक महीने तक जेल में रही थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। ड्रग्स केस में NCB, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह सहित कई बॉलीवुड सेलेब से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। ऐसा कभी किसी केस में नहीं हुआ। अब सुशांत ने खुदकुशी की या फिर हत्या, इस बारे में फिलहाल जांच एजेंसियां भी चुप्पी साधे हुए हैं। मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत को सोबर, मासूम और बेहतरीन इंसान बताकर बहुत कुछ कह दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।